नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक और बड़ा झटका। केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपने पद से दिया इस्तीफा। पिछले 7 महीने में दूसरी बार आरबीआई के किसी उच्च अधिकारी ने कार्यकाल पूरा होने से पहले छोड़ा पद। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की करारी हार से बौखलाने के बाद मायावती ने सोमवार को समाजवादी पार्टी पर किया करारा हमला। मायावती ने कहा, आगे आने वाले सभी चुनावों में बीएसपी सपा से अलग लड़ेगी चुनाव। एयर स्ट्राइक के मुद्दे पर पहली बार खुलकर बोले भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ। पाकिस्तान के सभी दावों को नकारते हुए बोले कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद एलओसी पार करके पाकिस्तान हमारे एयर स्पेस में नहीं घुस पाया। क्रिकेट के लिए फैंस की दीवानगी के बीच अब लोग इंडियन वुमेन हॉकी टीम के हुए दीवाने। टीम का एक सुर में गाया हुआ गाना सोशल मीडिया पर जमकर हुआ वायरल। वीडियो में वुमेन हॉकी टीम के सारे खिलाड़ी जोश और उत्साह से भरे आए नजर। सुनो गौर से, दुनिया वालों गीत को गाते हुए डांस भी करती आई इंडियन वुमेन हॉकी टीम की खिलाड़ी। सऊदी अरब में महिलाओं की बड़ी मांग, कार रखने और उसके चलाने के अधिकार को करा सकती हैं अपने निकाह की शर्तों में शामिल। दमम के रहने वाले माजूद ने बताया कि निकाह से पहले उनके मंगेतर ने गाड़ी चलाने से ना रोकने की शर्त रखी सामने। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत से बातचीत को लेकर एक नए सिरे से बहस शुरू। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने किया राज्यपाल मलिक का समर्थन। मलिक ने कहा, पाकिस्तान के साथ भी होनी चाहिए बातचीत। विश्व कप 2019 में टॉप फोर की रेस से बाहर हो चुके अफगानिस्तान। क्रिकेट का सामना आज बांग्लादेश के साथ साउथम्पटन में होगा। दोनों टीमों का मुकाबला अब एक भी मैच में जीत दर्ज नहीं कर पाया है अफगानिस्तान। टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को सत्ता गंवाने के बाद अब बड़ा झटका लगने जा रहा है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने अमरावती में उनके आवास प्रजा वेदिका को तोड़ने का दिया आदेश। आलिशान इमारत को तोड़ने का काम कल से होगा शुरू। बेहद गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर। तापमान लगभग 42 डिग्री तक दर्ज कर लिया गया और उमस के कारण लोग परसीने से तर बतर देखे गए, लेकिन इससे जल्द ही राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश की करारी संभावना। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे देश भर की बड़ी बड़ी खबरों को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।